दशरथ अज रविहारी आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारी न थोरी अत बुद सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनो मलहारी राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा काम कोह मद मोहन शावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मदन पान कियते मिटई पाप परिताप हियते जिन्हे हई बारिन मानस धोए ते कायर कलि काल बिगोए त्रसित निरखि रवि कर भव बारी फिरई निरग जिम जीव दुखारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुत शिरत अधिर बिहारी मति अनुहार सुवारी गुन गन गन गुन गन गनि मन अनभाई सुमरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई औ रघुपति पद पंक रहु हिय धरि पाई प्रसाद कयहु जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरा आर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुड़ करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम स्वस्थ रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसने अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हुसु दशरथ अजर बिहारी राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारत पद परमारत पथ परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब होई तीरत पतहि आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंजिम सकल त्रिवेणी पूजम माधव पद जल जाता परसि अखय बटु हर संगाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि वर मन भावन जहाँ तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जे मजन तीर्थ तीरथ राजा मज्जिम प्रात समेत उछाहा कहि परस पर हरि गुण गाहा मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हुस दशरथ अजर बिहारी राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम ब्रह्मन रूपन धर्म विधि वर्णन तत्व विभाग कहि भगति भगवंत कहि संजुत ज्ञान विराग सियावर रामचंद्र की जय। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रह हित चित जितेंद्रिय दया के निधान और परमात्मा के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माह में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को आते हैं।
देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज माँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विवाह का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। सीताराम जी भगवान की जय हो।